मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। I was shocked in the Lok Sabha when I heard the Prime Minister speak against Manrega. And it made me realize that the Prime Minister actually had not understood the depth of Manrega. He had not understood that Manrega had forever transformed the Indian labor market. And he had not understood that Manrega was for millions and millions of Indian people the last resort and a huge protection. साल तक माना जी ब्लॉक कोई काम नहीं मिला, मतलब जो बीमारी काम की औरतें हैं इस तरह ही रोज कंधी रहो, मनरेगा आवेगा तो कोई मनरेगा को नहीं आई वाल। चैनलों के माध्यम से बड़े बड़े नेता बोलते हैं हमने ये कर दिया, नंबर वन भारत बना दिया। मैं तो सोचता नहीं, यहाँ के देखो यहाँ जीरो भारत है। आप किसी ने गेहूँ लेनी है, किसी ने अपने पशुओं के लिए चारा लेना है, हमारे पास ये सच्चाई है कि रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, सब्जी के लिए पैसे नहीं है, गुजारा करना मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। केंद्र सरकार ने 2006 में गरीब परिवारों को रोजगार देने और गरीबी कम करने के लिए मनरेगा की शुरुआत की थी, लेकिन मनरेगा मजदूर 2023 से प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि न काम मिला, न पैसा, न कोई सरकारी लाभ। लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। क्विंट हिंदी की टीम हरियाणा पहुंची जहाँ बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है और रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 63% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजारा कर रही है। आज हम निगदू गांव में हैं जो कि करनाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एमएल खट्टर इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस बार लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं। हम यहाँ के गांव वालों से बात कर ये जानेंगे कि बीजेपी के कई वादे जो उन्होंने सबका साथ सबका विकास में बोले थे यहाँ पर ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं। हमारे को आठ सात साल हो गए मनरेगा से जुड़े हुए हैं, साल हो गए हमारे को कोई काम नहीं मिल रहा, मतलब गरीब आदमी की आवाज़ चढ़ाने की बजाय दबान लग रहे हैं और ना सरकार की तरफ से मारते सुविधा मिल रही, ना मनरेगा की तरफ से मिल रही। जो सरकार ना रसोई की कापी चलाई थी हम ना उसकी भी कोई सहायता नहीं मिल रही है। आप जब से काम कर रहे हैं अभी काम है कितने दिन, आप कितने दिन काम कर पाते हैं साल में? बस मेरा यही है झाड़ू पोछे का, ये नरेगे में काम करा मना 5-6 साल करा नू, तो फिर कॉपी नहीं आई मेरे नरेगे की, जो जॉब कार्ड है वो नहीं आया। कागज चाके फैमिली आईडी के दो 200 रुपया फैमिली आईडी बनवाओ, बाका के फार्म भरवाओ, इसकी लैट्रिन बाथरूम के फार्म भरवाओ, 200-200, 300-300 रुपया तैर लगा गरीब पता, कोई ना तो कोई लैटरिन का वो आया सुविधा आई मारी, ना कोई उसकी आई जो यार रसोई आके भरवाए थे फार्म उनकी आई, भाई था ना सेंटर से क्या मांगे उनके 1500 भरे हमने, उसका भी कोई सुविधा नहीं आई गरीब तो आपने सारे भरे लेकिन सुविधा आपको हाँ मामना सारे बाने बजाए लिए, फिर मारी किसी ने सुनाई नहीं करी। इबी भी मना परमट के बारे में 2 बार दरखास्त करने वाले लिखवाया, 2 बार लीलो खेड़ी लिखवाया, एक बार जाडे में माजरा गई राशन में जाया, मेरे छोरे ने लेगा किसी ने मारी कोई गौर नहीं कर रखी। ये मिट्टी के दाने हैं हाँ। तो ये भी हम नहीं खाने पड़ेंगे बका। अब ये क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा, हाँ कुछ राशन नहीं मिल रहा क्यों, मेरा परमट है कोनी देख ले कितनी मिट्टी, हम कोई सूर तो है नहीं ना कुत्ते हैं भी, हम मिट्टी का नाज खा करना टाइम पास करांगे अपना, यह खानी पड़ रही बका हमने। जैसे हरियाणा की बात देखो, अभी 13 लाख से ऊपर जॉब कार्ड है हरियाणा में और उसमें मतलब कि 3,66,000 के समथिंग जो है जिन मजदूरों को काम मिला है जॉब कार्ड होल्डर्स को, और बिल्कुल गजब की बात है कि 2557 के करीब जो है जॉब कार्ड होल्डर हैं जिनको 100 डेज का काम मिला है, बाकी लोग तो हैं उनको काम ही नहीं मिला है। आप यूँ देखियो 13 लाख में से 3,66,000 को काम मिला, 9 लाख से भी ज़्यादा मजदूर ऐसे हैं जिनको सिंगल डे भी काम नहीं मिला है, तो आप देख सकते हैं कि दशा क्या है। ये हरियाणा का डाटा जो है यहाँ जो नरेगा की वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं आप।
बेरोजगारी भत्ता के बारे में आपको कुछ मालूम है कि अगर आपको 15 दिन से ऊपर काम ना मिले तो सरकार आपको थोड़ा सहूलियत देती है? माना तो किसी सहूलियत का नहीं बेरा जी, मान तो जो हमारी दिहाड़ी के पीछे है माना वहाँ आ जाओ, वहाँ भी ढंग से आ जाओ, वहाँ भी बहुत है माना तो बेरोजगारी के भत्ते में तो माना न्यू भी कौन पता भी क्या वजह के नहीं है। यहाँ ग्रामीण इलाके में आकर के देखें ये जीरो भारत है मेरे ख्याल से, तो आज तक 4-5 साल तो मेरे के हो गए हैं, मैं विकलांग बंदा हूँ, फार्म भरे होगा मेरा फार्म, आज तक भी एक गरीबी रेखा का जो मकानों का अब तक ऊपर नहीं आया। मैं मैडम मेरे को तो कोई काम ही नहीं देता, कहते हैं विकलांग है तू। आपको कभी कभी नहीं, मैं मेरे को कभी ले गया, ये आई है भाई कहने लगे तू विकलांग है। आप किसी ने गेहूँ लेनी है, किसी ने अपने पशुओं के लिए चारा लेना है, हमारे पास ये सच्चाई है कि रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, सब्जी के लिए पैसे नहीं है, गुजारा करना मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा कोई ना कोई समाधान जरूर करें, कम से कम नरेगा का काम तो दें हमें, ये भी बंद कर दिया है। मैं खुद गया था आज से, जब ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी जी ने प्रोग्राम चलाया था, मैं उसमें शामिल था, तो उन्होंने चलाया था और इस सरकार में आकर ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया, ऐसा ना होना चाहिए। और आप कहते हैं कि वोट दो, वोट तो उसको मिलेगी जो काम करेगा। दबण काल हो रहा जी, माना मन नहीं, न्यूटर लगा मेरे बच्चे दब को मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर से आपकी छत, ऊपर से छत नहीं गिरन हो रही जी। और सरकार ये जो ग्रामीण आवास योजना है इससे आपको कुछ लाभ मिला है? कुछ लाभ नहीं मिला जी माना, रात नींद नहीं आती जी, मड़ी सी ब्याह आवे नहीं नींद नहीं आती, बच्चे दब के मरेंगे, क्या हाल होएगा जी। देखिए डिग्री तो आपने एप्लीकेशन दी थी सरकार को कि हमारा घर का फार्म भरे थे भी, कॉलोनी के फार्म भरे थे जी, वहाँ नहीं आए कभी, बस यह दिक्कत है जी भी मेरी छत बन जा, बच्चे मेरे बच जा, छोटे छोटे बच्चे आई वहाँ, तीन उस बहू पा तीन इस पर आकर एप्लीकेशन दिया था जी, सरपंच तब ने कहा था जी भाई हम फिर बनाएंगे, तू माना काम दे, काम दे सरपंच तो आज दे, माना काम नहीं सारी हो घर बैठी जितनी भी। लोन मिलता है मकानों को, अभी तक किसी के पास नहीं पहुंचा, ओनली फॉर फार्म भरे हुए हैं, किसी को भी मकानों को लोन की सुविधा नहीं मिली। क्या हुआ? अप्लाई बहुत ज्यादा किया मैम, हमारे को किसी चीज की भी सुविधा नहीं मिली है, पेट तो भरना पड़ेगा, आवास योजना की कोई हमारे को मदद नहीं मिली है। आपको एक ते एक ऐसे ते ऐसा घर दिखाऊं जी जिसमें मतलब शाम के टाइम चूल्हा भी नहीं जलता। अभी चुनाव आने वाले हैं, वोट डालने का टाइम आएगा, तो आप क्या सोचेंगी वोट किसको डालेंगी? बस हम किसी तक नहीं डालते जी, किसी को नहीं, हम नहीं डालते, जब डाल लांगे तो हम तो बेचेंगे, क्यों हमारा पूरा ही नहीं पट रहा तो हम बेचेंगे फिर वोट, ग्रांट महारानी परमट महारानी सारी बच्चों में हम सारी चीज तो तंग हा। सरकार जाग वोट लेने की वजह तो एक एक बंदे ना चुनेगी, भाई ये रह गया ये रह गया, और जब सरकार ने देना हुआ जी पिछट जा मूल कोला, ऐसी सरकार को हमने वोट नहीं देना जी बिल्कुल भी। देखो ये वादे करने तो प्रधानमंत्री से देखो, 2 करोड़ कहता था साल के, तो 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला कितना को है, तो ये खट्टे रोंचा मोदी हुए झूठ बोलते हैं। हकीकत यह है ये नौकरियों को ख़त्म करते जा रहे हैं, अगर ये इनकी इतनी अच्छी नीयत होती तो जहाँ से सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं उसका प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं सरकारी विभागों का। अभी इन्होंने बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए, बहुत सारे अध्यापकों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, क्लर्कों की खाली पड़ी हैं, उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है, ये तो पोस्टें पड़ी हैं खाली, अगर ये 60,000 का तय बढ़ने के लिए तो कहाँ भरे हैं उसने, बल्कि स्थायी भर्तियाँ तो ख़त्म कर दी। अभी ये कौशल रोजगार के तहत क्या कर रहे हैं, अगर इनके पास हरियाणा में भर्ती करने के लिए खाना होता तो ये इजराइल में युद्ध में मरने के लिए क्यों भेज रहे हैं हमारे जो वर्कर हैं यहाँ के, जहाँ युद्ध चला हुआ है जो कि बिल्कुल अन्यायपूर्ण युद्ध है, इजराइल जो है वहाँ जो है फिलिस्तीनी लोगों का कत्ल कर रहा है, वहाँ एक पूरे पाप के भागीदार बनाने के लिए हमारे लोगों को और मरने के लिए वहाँ भेज रहा है। हम आज ग्रामीण हरियाणा में हैं और यहाँ पे इलेक्शन के समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है वो है जॉब्स का, अनएम्प्लॉयमेंट का। मनरेगा जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम थी जिसके थ्रू जॉब्स को क्रिएट किया जाता था, एम्प्लॉयमेंट बनाई जाती थी, यहाँ के युवा का ये कहना है कि वो
मनरेगा के थ्रू भी कोई नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एक साल, डेढ़ साल, दो साल हो गया है कि उनको एक दिन का काम भी नहीं मिला है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि उनका ये अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस का ये जो मुद्दा है, उनके वोटिंग डिसीजन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। अगर आप ऐसी रिपोर्ट्स को सराहना देते हैं और ऐसी रिपोर्ट्स और देखना चाहते हैं तो द क्विंट और क्विंट हिंदी के मेंबर बने और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, यार हारने जा रहे हैं। हम्मा रोड़ों पड़ी बीजेपी इस खरब, अगली बार भाजपा तड़पा, उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।